ऋषभ किसी के दखल से क्या फर्क पड़ेगा? तुम और रक्षिता तो एक दूसरे को चाहते हो ना, बस काफी है। काफी काफी तो काफी तो हमारा प्यार भी था मेरा, लेकिन क्या हो, वहां भी लोगों का दखल हुआ और नतीजा के आज तो मेरे साथ नहीं। जब तक मैं दुबई में था वो वहीं था, और इंडिया कई सालों के बाद आया वो। तो फिर इन दोनों में चक्कर क्या है, इनका रिश्ता क्या हो सकता है? अगर ऋषभ तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूं? और अब आप कुछ करेंगी भी नहीं, हमारी जिंदगी तबाह करनी थी वो आपने कर दी। पूजा अपनी जबान को तमीज के दायरे में रखो। सुनील मैं ट्रेड यूनियन लीडर इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं कुछ और नहीं बन सकता था, मैं इसलिए बना हूं क्योंकि मैं यही बनना चाहता था। मैं जानता हूं, जानती तो मेधा भी है, मगर उसे मेरे ट्रेड यूनियन लीडर वाले रूप पर एतराज है। वो चाहती है कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री का परमानेंट डायरेक्टर बनने का ख्वाब देखूं। तलाक तो मैं आज भी ले रही हूँ मिस्टर बंसल, लेकिन आपके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। क्योंकि अगर आपके तरीके से तलाक लेती और वो 10 करोड़ हासिल भी कर लेती तो मैं जिंदगी में सारा कुछ गवा बैठती थी। रक्षिता मैंने तुमसे कुछ बातें करनी है, अकेले में मुझे बुला लिया होता। तुम नहीं समझोगी रक्षिता, तुम नहीं समझोगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं चूकते। तो लोग इत्मीनान से यहां बैठो, मैं ही चला जाता हूं। सूरज मुझे बहुत अफसोस है, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, साल भर की सजा। सुनील मैं दीवारों के पीछे सर पटक पटक के मर जाऊंगा, यहां गुजरता हर लम्हा मुझे काटने को दौड़ता है। सुनील मैं कैसे जीऊंगा यहां? देखो सूरज, घड़ी की सुइयां हर 10 से 2 आगे चलती रहती है, साल भर का अरसा भी कट जाए। ये तुम्हारी बातें बाहर वालों को दिलासा देती होंगी सुनील, मुझे नहीं। तुम मुझे यहां से रिहा नहीं करवा पाए, कम से कम मेरी सजा तो कम करवा देते। सूरज तुम पर जो तमाम इल्जाम लगाए गए थे उनमें से एक अहम इल्जाम को अगर मैं बेअसर नहीं करता तो तुम्हें कम से कम 3 साल की सजा होती। क्या पूरे 1 साल की सजा है? हाँ, और पहले 6 महीने कैदे बामुशक्कत। कैदे बामुशक्कत, डैम इट! देखो इस कदर परेशान हो करके तुम अपने लिए ही मुश्किल खड़ी कर रहे हो सूरज। दिमाग जितना ठंडा रखोगे दिन उतने ही जल्दी गुजरेंगे, और फिर तुम्हें बाद में आभास होगा कि तुम बहुत सस्ते छूट गए। हाँ तुम्हारी कही हर बात तो मेरे लिए भ्रम वाक्य है, और तुम्हारी हर बात को सही मानना मेरी मजबूरी। सुनील कानून ने मेरे साथ अच्छा मजाक किया है, मनमानी की है मेरे साथ। भाई सॉरी सूरज, मैं चलता हूं। थैंक यू सुनील, थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारा एहसान मान दूं 1 साल की सजा दिलवाने के लिए। ओके बाय सुनील, मेरा एक काम करना। स्वेतलाना, करण और बाकी वो सब लोग जो मेरी इस दशा के जिम्मेदार हैं, जिनके गुनाहों की सजा मैं भुगत रहा हूं, उनसे कह देना कि 1 साल इत्मीनान से जी लें जब तक मैं इस जन्म में हूं, क्योंकि जिस दिन मैं यहां से छूट गया उन लोगों की जिंदगियां जहन्नुम बना दूंगा। ये खिलौना भी काफी है साल भर तक खेलने के लिए, मैं ऐसी ही किसी तैयारी की बात कर रहा था ताकि साल भर तक तुम्हारा यह मन लगा रहे। ओके, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।
बहुत लंबा होता है एक साल, क्यों वकील साहब? 52 हफ्ते, 365 दिन, 8760 घंटे, 5,25,600 मिनट। मैं और प्रॉब्लम, साफ साफ बताइए ना बात क्या है। मैं तुम्हें जितना जानने लगी हूं ना, मेरे प्रॉब्लम्स उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। मैम, मैं आपसे वादा करती हूं कि अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़े ना, तो मैं छोड़ दूंगी। इसका मतलब है कि तुम सचमुच मेरे प्रॉब्लम्स नहीं समझती, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। नहीं, साफ साफ बताइए ना। मेरा प्रॉब्लम यह है कि तुम बहुत केपेबल हो। क्या? यही तो मेरी उलझन है कि तुम्हें इतनी सारी खूबियां हैं, मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उससे मैं खुद खुश नहीं हूं। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं। रक्षंदा, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ करूं। जैसे? जैसे जैसे कि तुम्हारे केपेबिलिटीज के मुताबिक जो तुम्हें ओहदा दिया गया है, तुम मुझसे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। शुक्रिया। मैंने तय किया है कि कंप्यूटर डिवीजन की मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बनाऊंगी। प्रमोशन? और इतनी जल्दी? तुम्हें एक बहुत ही जिम्मेदार पोस्ट पे रखूंगी, तुम्हारे लिए पार्टी भी दूंगी। करण के साथ जरूर आना। ऑफ कोर्स मैम। ओके, सी यू लेटर। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। वाह रक्षदा मोहतरमा, इतनी जल्दी प्रमोशन। बट देयर समथिंग फिशी। रंजना देवी ने ये बात ऋषभ के सामने क्यों नहीं कही? शायद ऋषभ ने ठीक ही कहा था, वो मुझे उसे अलग करना चाहती है। क्या बात है रोनी, सोनू की याद आ रही है? क्या करूं, इसका बाप जो ठहरा, एक यही तो है जिसने हर हालत में मेरा साथ दिया है। जानते हो स्वेतलाना हम दोनों को छोड़कर चली गई थी ना, तो मैं इसको अपनी छाती से लगाकर रोता था। इसके छोटे छोटे कंधों पर मैं अपना सर रखकर आंसू बहाया करता था। और ये बुजुर्ग बनकर मुझे दिलासा दिया करता था। जाने तूने मुझे कौन सी पट्टी पढ़ा दी के मैंने इसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। सोनू की भलाई के लिए मुझे तुम्हारा बुरा बनना भी मंजूर है। अब ये सब सोनू की भलाई के लिए या तुम्हारे किसी मकसद के लिए, ये तो या तू जानती है या फिर ऊपर वाला। आज तो या मैं जानती हूं या ऊपर वाला। लेकिन कुछ साल बाद जब सोनू बोर्डिंग स्कूल से लौटेगा ना, तो एक काबिल इंसान बन के लौटेगा, फिर तुम भी जान जाओगे। कुछ साल बाद, लेकिन ये साल कैसे बीतेंगे रश्मि, बता मुझे। मैं क्या करूंगा इतने साल? एक बात बताऊं, इतने सालों के बाद तो मैं इस काबिल बना था कि मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से बड़ा कर सकूं, अच्छी परवरिश, अच्छी चीजें दे सकूं। और इस शहर में कौन सी स्कूलों की कमी पड़ गई थी यार कि उसको बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ा? इस शहर में भी स्कूल हैं, लेकिन इस शहर में तुम्हारी और स्वेतलाना के झगड़े भी हैं, उसकी नानी की चालबाजियां भी हैं और स्वेतलाना की बदनामी भी है। इस दौरान वो पूरी तरह खिल नहीं पा रहा था, उसे खुली हवा की जरूरत थी।
मेरे सोनू को तो खुली हवा मिल जाएगी, लेकिन मैं इतने साल उसके बिना जीऊंगा कैसे, ये तो बता दे मुझे। तुम्हारी तन्हाई बांटने के लिए मैं जो तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे करीब, तुम्हारे नजदीक, क्या बात है बेटे, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ स्वेतलाना? इस घर में कैद यादें मुझसे कुछ कह रही हैं और मैं सुन रही हूं। इस छत के नीचे केशव की मौत से पहले उस वक्त खुशनसीबी मुझ पर सबसे ज्यादा मेहरबान थी। वैसा दौर पहले कभी जिंदगी में नहीं आया था, ना कभी आने की उम्मीद है। बेटे बदकिस्मती कब कहां किस करवट बैठती है ये किसी को नहीं मालूम। जिंदगी का हाथ थामे जाने कहां कहां तक चलना होगा। हमारे मुकद्दर में भटकना कुछ ज्यादा ही लिखा है। जहां भी जाकर बसते हैं वहीं से जड़ों से काटकर फेंक दिए जाते हैं। देखना रंजना देवी ये घर छीनकर मुझसे केशव की यादों से भी जुदा कर देंगी। इस घर से खाली हाथ निकलना पड़ेगा। नहीं, मेरा दिल कहता है हमें यह घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। और मेरा दिल आजकल दबे पांव जाकर इस घर से अपनी जड़ें काटना शुरू कर चुका है। बेटे लेनिन ने हमें कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना। मां लेनिन जज्बात में आकर वादा कर गया, लेकिन हकीकत में रंजना देवी का केस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन तेरे खिलाफ भी तो केस बहुत स्ट्रांग था, जमानत मिलनी भी नामुमकिन थी। लेनिन ने उसे मुमकिन किया था ना, इस बार भी वो जरूर कुछ करेगा। मां अगर लेनिन से कुछ हो पाता तो वो कर चुका होता, वो भी इस केस में बेबस हो जाएगा। खैर नतीजा तो सामने आ जाएगा ना। हमें नतीजे के आसरे नहीं बैठना चाहिए, नए घर की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। हम लोग नया घर खरीद तो सकते नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, किराए के घर में ही जाना पड़ेगा। वाह, सिल्वर स्टेट से सीधा किराए का मकान, जिंदगी में क्या तरक्की हो रही है ना मां। रंजना देवी जो इस अंगूठी के अपशगुन की बात कर रही थी शायद वो सच ही है। ये आपने बड़ी ज्यादती की, सिर्फ एक साल, ये मेरी आजादी और सूरज की सजा के लिए बहुत कम है। पर जिसे सजा काटनी है उसे तो बहुत लंबी लग रही है। ज्यादा किस लिए और क्यों लग रही है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप यहाँ इन्हें स्वेतलाना नाम का खिलौना लाकर दीजिए, फिर देखिए कानून भी इन्हें जेल से बाहर खींचना चाहेगा तो ये निकलेंगे नहीं, ताला लगाकर अंदर ही बैठ जाएंगे। रेनू मेरे ख्याल से
मुझे चलना चाहिए, आप लोगों का घरेलू मामला है, यू बेटर सॉर्ट इट आउट। बाय बाय। ये मेरा घरेलू मामला नहीं, बाजारू मामला है। तुम जैसी औरतें किसी का घर बसाने के लायक है ही नहीं। और तुम्हारे जैसे मर्द जो घर में दूसरी औरतों को ले आते हैं, घर को दुकान बना डालते हैं। रेनू, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? मैं तो लाल मिर्च छिड़कना चाहती थी पर मिली नहीं। वैसे सुनील से पूछना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा कानून है कि मैं अपील कर सकूं तुम्हारी सजा बढ़ाने के लिए। अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूं मैं, अब भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई? रेनू प्लीज, मुझे यूं मेरे दुखों के साथ अकेला मत छोड़ो। तुम भी तो मुझे अकेला पटक आए थे दिल्ली में ताकि तुम स्वेतलाना के साथ खुलेआम रोमांस कर सको, और जब मैं वापस आई थी जबरदस्ती तो कैसी शक्ल हो गई थी तुम्हारी? मुझे मेरे ही घर में बंदी बनाकर तुम स्वेतलाना के साथ रोमांस करते फिरते थे शहर भर में। मुझे तो तब तसल्ली होगी जब तुम्हारी सजा लंबी, बहुत लंबी हो जाएगी। एक साल में इस जगह पे कैसे काटूंगा ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस एक साल में कैसे अपनी मौज मस्ती दुगनी कर दूं, क्योंकि एक साल तो बहुत ही कम है आजादी के लिए। रेनू, तुम्हें जो करना है करो, जो तुम्हारे जी में आता करो, पर प्लीज मुझे और दुख मत पहुंचाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। क्या करूं सूरज, तुम्हारा दुख दुगना करने के लिए, सजा बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। वैसे आज का कोटा पूरा हो गया इसलिए चलती, दोबारा जल्दी ही आऊंगी। यू नो सूरज, मैं वैसे तुम्हें काफी मिस करती हूँ, तुम्हारे वो झगड़े तमाशे, खासकर दिल्ली से आने के बाद तो मुझे बहुत मजा आने लगा था। खैर चलती हूँ, जब भी दिल बहलाने का मन करेगा आ जाया करूंगी। वैसे एक साल में मुझे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। बाय टिल देन सूरज, सी यू। हाय करें। नो, I don't believe this. ये मेधा है या मेधा जैसी दिखती है? तुम बताओ। नो, नॉट फॉर मी, ये पहेली ऋषभ बूझेगा, बुलवाऊं? ऋषभ की याददाश्त पहेलियां खड़ी नहीं करती, और ऋषभ जिसे याद रखने के लायक समझता है उसे भूलता भी नहीं। चलिए, कोई तो है जो ऋषभ की खूबियां गिनवाता है, आप बैठ सकती। थैंक यू। ऋषभ की खूबियां मुझसे कहीं ज्यादा कोई और भी जानता है, अगर तुम्हें नाम जानने की तकलीफ ना हो तो। कौन है? रक्षंदा। मुझे ऋषभ की खूबियां जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम रक्षंदा को तो है। कैसे जानती हो उसे? आज जो ऋषभ को जानता है वो जाहिर सी बात है कि रक्षंदा को भी बखूबी जानता होगा। जरूरी नहीं है। ये खुशफहमी तुमने अपनी सहूलियत के कारण पाल रखी है करण। कुछ काम है, कुछ कहना चाहती हो? हाँ कहना चाहती हूँ, दो बातें। एक तो ऋषभ और रक्षंदा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, दूसरी बात तुम उनकी मोहब्बत में रुकावट मत बनो करण। मसीहा मोहब्बत के मारों का है। गानों की बात नहीं कर रहे ना करण? तुम्हें yeah, of course, तुम्हें तो दिलचस्पी होनी चाहिए। ऋषभ मल्होत्रा's लॉयर, और सब दिल जले हमेशा कमबख्त मसीहा बन जाते हैं। तुमने ये गलत केस हाथ में ले लिया मेरा, ऋषभ किसी मोहब्बत के लायक नहीं है। ऋषभ किसी मोहब्बत के लायक है या नहीं, ये कम से कम तुम मुझे मत समझाओ। सॉरी, या ऑफ कोर्स, एक जमाने में आप ऋषभ की मोहब्बत हुआ करती थी। क्या हुआ उस मोहब्बत का? उसमें तो कोई करण बीच में आया नहीं टांग अड़ाने, व्हाट हैपेंड? वो मोहब्बत आज भी है, हाँ अब हमने उसे सिर्फ दोस्ती नाम दे दिया है। That suits you better, नहीं? Anyway, ठीक है, मैं ऋषभ और रक्षंदा के बीच में दोस्ती करवा दूंगा, तुम यही चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि तुम उन दोनों के बीच से हट जाओ और ऋषभ को उसकी ये मोहब्बत हासिल करने दो करण।
प्लीज। ऋषभ की ये मोहब्बत हमेशा उसके लिए एक ख्वाब बन के रह जाएगी, क्योंकि रक्षंदा मुझसे प्यार करती है और मैं रक्षंदा को हर कीमत पे हासिल करके रहूंगा। ऐसी कोशिश भी मत करना करें। कोशिश वही करते हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। मेरा और रक्षंदा का प्यार हकीकत है। मैं इस हरगिज होने नहीं दूंगी। और मैं तुम्हें शादी पर इनवाइट करूंगा। ऋषभ क्या करेगा? ऋषभ दुखी होगा, गजलें गाएगा देवदास। इनफैक्ट तुम अपना वक्त यहां बर्बाद क्यों कर रही हो? जाके उसे कुछ सिखाती क्यों नहीं हो गजलें? जरूर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कर I can suggest you one if you want. कि पुरानी है साहिल साहब की, जब दिल ही टूट गया। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग माला एक हाथ सोने की छड़ी।